बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को किस दिन कत्ल किया था? सही जवाब है मंगल के दिन। क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या था? सही जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम अखनूख था। क्या आपको मालूम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की कितनी मंजिलें थीं? सही जवाब है 3 मंजिलें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाला पहला परिंदा कौन सा था? सही जवाब है तोता। तूफान नूह में बरसने वाले हर कतरे में कितना पानी होता था? सही जवाब है हर कतरा एक मशक के बराबर था। मदीनाए मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर सबसे पहले किसने दी? सही जवाब है एक जिन ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? सही जवाब है 40 साल। वो कौन सी जगह है जहां किसी भी तरफ मुंह करके नमाज अदा की जा सकती है? सही जवाब है काबा शरीफ की इमारत के अंदर या छत पर। वो कौन सा पाक साफ कपड़ा है जिसको पहनकर नमाज पढ़ना जायज नहीं? सही जवाब है चुराया हुआ कपड़ा या धोबी के यहां से बदला हुआ कपड़ा।